को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की ताजा खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत उपखंड के सबसे बड़े चिकित्सालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा के आलम इतने खराब हो गए हैं कि लोग गर्मी आने से पहले पीने के पानी के लिए त्राही त्राही करते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे बच्चे से लगाकर बूढ़े तक पानी की बोतल को लेकर अस्पताल के कोने कोने में भटकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें पानी कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। शुद्ध पेयजल की जगह पर गंदगी का इतना आलम है कि वहां पर पशु तक पानी पीने के लिए कतराते हैं। ज्ञात रहे कि अभी कोरोना का संक्रमण खतरा टला नहीं है, ऐसे में इस तरह की गंदगी का आलम ना जाने कैसे कैसे संक्रमण को बढ़ावा देगा। संबंधित विभाग इस तरफ अनदेखी करता हुआ नजर आ रहा है। शुद्ध पीने के पानी को लेकर मजबूर परिजन नगर पालिका द्वारा संचालित शुद्ध पेयजल जीवन तारा महिपाल स्कूल के पास एक रुपए में एक लीटर पानी लेकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। अस्पताल में आए हुए मरीज के साथ परिजनों ने अपनी व्यथा को बयां किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। रतन पानी वालो नहीं, अब भी पानी नहीं है। तो ये भी कोई व्यवस्था नहीं है ना, अब हम ये के है नहीं खरी ना यार, पानी तो चालू कराना पड़ेगा भाई, भाई परेशान हो रही है। अधिकारी अधिकारी कोई अधिकारी हम बोलवा तैयार नहीं है, कोई है कोई भी हॉस्पिटल में पानी के मिले नहीं, नहीं आ रहा पानी, नहीं आ रहा है ये पानी लिवाज यानी पानी नहीं मिलते, बोतल शरीर मेरी खराब हूँ तो के पानी नहीं मिलते, पानी मिले तो सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।